أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاح لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره الصلاة والسلام على نبيه محمد المشتق اسمه من اسمه المحمود وعلى على المتأخرين أولي المكارم والجود الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم قال وهذا صراط علي مستقيم صلوات दुआ है परवरदिगार आप सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। जो अफराद बिस्तरे इलालत पर हैं उन्हें शिफायाब सहर नसीब फरमाए। जिनके पास रोज़गार नहीं उन्हें बाइज्जत रोज़गार अता फरमाए। सुल्तान कायनात वलिये आसर के ज़हूर में ताजील फरमाए। बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें कि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाएं। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, गुफ्तगू इस मंजिल तक पहुंच चुकी कि इंसान को अल्लाह ने आँखें दीं, कान दिए और दिल दिया, और ये तीनों चीज़ें देने का मकसद क्या था? ताकि इंसान तहसील हकायक़ो मारिफ करे और समझे कि सिराते मुस्तकीम क्या है, वो पहचाने कि हक क्या है, वो पहचाने कि बातिल क्या है, यानी हक़ो बातिल के दरमियान तमीज़ कायम करने के लिए अल्लाह ने इंसान को आँखें दीं, इंसान को दिल दिया, इंसान को कान दिए। अब अगर कोई इंसान इन तीनों कुव्वतों को बरूए कार लाते हुए हक तक ना पहुँचे, अगर कोई इंसान इन तीनों ताकतों को इस्तेमाल करते हुए ये ना समझ पाए कि सिराते मुस्तकीम क्या है और सिराते जहीम क्या है, तो उसके लिए कुरान मजीद कह रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लहुम कुलूबुन, इनके पास दिल है, ला यफ़क़हूना बिहा, लेकिन ये समझते नहीं। इनके पास दिल है लेकिन ये समझते नहीं। लहुम आयुनुन, इनके पास आँखें हैं, ला युब से रूना बेहा, ये देखते नहीं।
फिर फरमाया कि बलहुम आजानुन, इनके पास कान हैं, ला यस्माउना बेहा, ये सुनते नहीं, गोया इनकी मिसाल जानवरों की सी है। यानी अगर कोई इन तीनों कुव्वतों को इस्तेमाल करके दरे अली तक ना पहुंचे, उसकी मिसाल जानवर जैसी है, जानवरों जैसी मिसाल क्यों दी? क्योंकि जानवरों के पास आंखें भी हैं, जानवरों के पास कान भी है, जानवरों के पास दिल भी है, लेकिन वो इन्हें इस्तेमाल करके किसी नतीजे तक नहीं पहुंचते। तो इंसान को इन तीनों चीजों को कमाल तक पहुंचाना है। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीजाने गिरामी, अल्लाह ने इंसान को आंखें दी, कान दिए और दिल दिया ताकि वो हक तक पहुंचे। यहां तक बात वाज़े है। अब हमें इन तीनों कुव्वतों को कमाल तक पहुंचाना है। हमें इन तीनों को कमाल तक पहुंचाना है, और कमाल तक पहुंचाने के लिए हमें किसी मुअल्लिम की ज़रूरत है। और अगर कोई मुअल्लिम ऐसा हो कि जिसमें नक्स होगा, अगर किसी मुअल्लिम में नक्स होगा तो उसे दूसरे मुअल्लिम की ज़रूरत, अगर उसमें नक्स होगा तो उसे तीसरे मुअल्लिम की ज़रूरत, और इस तरह तसलसल आता जाएगा जो कि बातिल है। लिहाजा कोई मुअल्लिम ऐसा होना चाहिए जो बहालत इल्म पैदा हुआ हो, कोई मुअल्लिम ऐसा होना चाहिए जो यहाँ बहालत इल्म दुनिया में आया हो। ढूंढो तारीख में वो कौन था जिसने आगोश रिसालत में कुरान सुनाया। तो हमें इन तीनों को कमाल तक पहुंचाना है। यहां तक बात पहुंच गई। अब गुफ्तगू आगे बढ़ रही है, आज की गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। अजीजाने गिरामी, अल्लाह ने दुनिया क्या कहती है कि इस वक्त जहां हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, इस वक्त जहां हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये क्या है? ये मंजिल है। दुनिया क्या कहती है कि जिस मकाम पर हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये है मंजिल। लेकिन कुरान क्या कह रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, के तुम वहीं पलटाए जाओगे जहां से तुम आए हो। यानी इंसान वहीं जाएगा जहां से आया है, जहां से इंसान आया है। अब एक मकाम वो हुआ जहां से इंसान आया, एक मकाम वही मकाम वो हुआ जहां से जहां इंसान जाएगा। अब जहां से आया वो एक मंजिल है, जहां जाएगा वो एक मंजिल है। दो मंजिलों के दरमियान मंजिल नहीं, रास्ता होता है। दो मंजिलों के दरमियान मंजिल नहीं, रास्ता होता है। अब ये रास्ता कौन सा है? इसी रास्ते पर, जिस रास्ते पर चलकर हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ से हम आए थे, उस रास्ते का नाम है सिराते मुस्तकीम। तो जहाँ से हम आए वहाँ हमने जाना है, और जिस रास्ते पर चल के जाना है वो है सिराते मुस्तकीम। अब मैंने पहली मजलिस में अर्ज़ किया था कि ये सिराते मुस्तकीम एक खत्ते मुस्तकीम नहीं है, एक सीधा रास्ता नहीं है। इब्ने सीना फरमाते हैं कि अगर इसे
एक रास्ता, एक सीधा रास्ता मान लिया जाए, अगर इसे खत्ते मुस्तकीम मान लिया जाए, तो इंसान इस रास्ते पर चलेगा और इस रास्ते पर चलने के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के मुताबिक जहाँ से आया वहाँ पर जाना है। तो अगर इस सीधे रास्ते पर खत्ते मुस्तकीम पर चलेगा तो कोई एक नुक्ता ऐसा आएगा, कोई एक मंजिल ऐसी आएगी कि जहाँ से ये मुड़ेगा, जहाँ से ये मुड़ेगा। अब जिस रास्ते से, जिस मंजिल पे पहुँच के, जिस नुक्ते पे पहुँच के ये इंसान इस रास्ते पर चलते हुए उस नुक्ते के पे पहुँचने के बाद जब मुड़ेगा तो वहाँ पे आएगा वक्फा, वहाँ पे आएगा वक्फा, चाहे वो वक्फा क्यों ना इतना ही गैर महसूस ही क्यों ना हो, आएगा वक्फा। और जिंदगी वक्फे का नाम नहीं, जिंदगी सफर का नाम है। लिहाजा हम ये मान ही नहीं सकते कि ये रास्ता एक खत्ते मुस्तकीम है, बल्कि ये रास्ता इतना तहदार है कि ये दायरा दर दायरा है। और जब इंसान दायरे पर सफर करता है तो जहां से चलता है वहीं पहुंच जाता है। तो इंसान को इस रास्ते पर चलना है। बात यहाँ तक पहुँच गई, बात यहाँ तक वाज़े हो गई। अब हमारी कोशिश क्या है, अब हमारी जुस्तजू क्या है? अब हमने देखना है कि इस दायरे में, इस सिराते मुस्तकीम में वो कौन से अफराद हैं जो चल रहे हैं, वो कौन से अफराद हैं जो सिराते मुस्तकीम पर हैं, वो कौन से अफराद हैं जो सिराते मुस्तकीम की तरफ हैं। तो यहाँ एक बात वाज़े कर दूँ कि अरबी में अगर अलिफ लाम छोटी है और उसके ऊपर ज़बर या खड़ा अलिफ इला, अलिफ के साथ इला आ जाए तो उसका मानी होता है की तरफ। अगर अलिफ से इला बने तो उसके मानी होते हैं की तरफ, और अगर ऐन से आला बने और ऐन पे ज़बर हो तो उस आला का मतलब होता है पर। वाज़े है, अगर अलिफ से इला हो तो उसके मानी है की तरफ, और अगर ऐन से आला हो तो उसके मानी है पर। अब हमने देखना है कौन है सिराते मुस्तकीम पर, हमने क्या देखना है कि कौन है। अब क्या अंबिया सिराते मुस्तकीम पर हैं? तो कुरान से पूछते हैं, तो वो नबी जो जनाब रिसालत माब के बाद तमाम अंबिया से अफजल हैं वो हैं जनाब इब्राहिम। तो अब ये देखते हैं क्या जनाब इब्राहिम इस सिराते मुस्तकीम पर हैं। तो खुदा फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना इब्राहीमा काना उम्मतन कानतन लिल्लाह हनीफन, के इब्राहीम अकेला था मगर उम्मत था, और ये जनाब इब्राहीम शुक्र करने वाला था। तो हमने इसके साथ क्या किया, अजतबाहू, हमने इसे चुन लिया, वहदाहू, और इसकी हिदायत की किस तरफ, इला सिराते मुस्तकीम। हमने जनाबे इब्राहिम की किधर हिदायत की, सिराते मुस्तकीम की तरफ, यानी जनाबे इब्राहिम अला नहीं आया, इला सिराते मुस्तकीम, यानी इब्राहिम की हिदायत की सिराते मुस्तकीम की तरफ। क्या अब जनाब इब्राहिम अगर सिरात मुस्तकीम पर नहीं तो बाकी अंबिया में से कोई है? तो खुदा फरमा रहा है हमने नबियों को चुन लिया और उनकी हिदायत कर दी सिरात मुस्तकीम की तरफ। तो अब क्या कोई भी सिरात मुस्तकीम पर नहीं है? अब हमने देखना है कि क्या कोई नबी सिरात मुस्तकीम पर नहीं है?
तो वो सूरत अब पढ़ रहा हूँ जो रोज़ाना अब सुबह नमाज़े फज्र के बाद पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन, वल कुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीना अला सिरात मुस्तकीम। क्या पता चला कि जनाब रिसालत माँ कहाँ पर हैं? सिरात मुस्तकीम पर। बस वो मंजिल आ गई जिस मंजिल पर दो दिनों से लाना चाह रहा हूँ। कौन है सिरात मुस्तकीम पर? जनाब रिसालत माँ। ये आयत पढ़ने के बाद, एक और आयत पढ़ने के बाद, जनाबे अब्दुल्ला इब्ने सईद, जनाबे अब्दुल्ला इब्ने मसूद रिसालत माँ की खिदमत में आ गए। कहने लगे, आवाज़ ठीक पहुँच रही है? इसकी आवाज़ ज़रा बेहतर कर दें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतनी गुफ्तगू से क्या पता चला कि जनाब रिसालत माँ सिरात मुस्तकीम पर हैं? कोई और सिरात मुस्तकीम पर है? तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसूद जनाब रिसालत माँ की खिदमत में आए। कहने लगे, या रसूलल्लाह, बेचैनी है, हमने सूरह यासीन में पढ़ा कि आप हैं सिरात मुस्तकीम पर, लेकिन सूरह नहल की एक आयत बता रही है कि कोई एक और है जो सिरात मुस्तकीम पर है। कोई एक और है जो सिरात मुस्तकीम पर है। आयत सुना देता हूँ, तर्जुमा कर देता हूँ, तशरी नहीं करूँगा। तर्जुमा करना मेरा काम, तारीख को देखना आपका काम। खुदा फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़रबल्लाहु मसलर रजुलैन, कि अल्लाह तुम्हें दो मर्दों की मिसाल देता है। अहदाहुम अबकमो, के एक गूंगा है, ला यक्दिरो अला शैइन, किसी शय पर कुदरत नहीं रखता, वहुवा कल्लुन अला मौला हो, अपने आका और मौला पर बोझ है। गूंगा है, किसी शय पर कुदरत नहीं रखता और अपने आका और मौला पर बोझ है। ऐनमा युवज्जे हो, बिल आयात बिल खैर, लायात बिल खैर, कि अगर उसे कहीं भी भेजा जाए तो वो खैर की खबर नहीं लाता। एक गूंगा है जो किसी शय पर कुदरत नहीं रखता, जो अपने आका और मौला पर बोझ है, और जिसे कहीं भी भेज दिया जाए वो खबरें खैर नहीं लाता। अब आगे अल्लाह फरमा रहा है, हल यस्तवी, क्या ये उसके बराबर हो सकता है? वमैं यामरो बिल अदल, जो अदल पर कायम है, और वहुवा अला सिरात मुस्तकीम, और जो अदल पर कायम है और वो कहाँ पर है? सिरात मुस्तकीम पर। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि ये इस आयत में वो कौन सी शख्सियत है जो सिरात मुस्तकीम पर है? यहाँ पर एक फितरती बात बता दूँ, मिसाल के तौर पर मैं और आप इस मस्जिद में बैठे हैं और हम बातें कर रहे हैं, इतने में इस दरवाज़े से कोई दाखिल होता है तो फितरतन हम उसे मुड़कर देखेंगे, जैसे ही वो आएगा हम उसे मुड़कर देखेंगे। यही हुआ, जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने पूछा, ये सिरात मुस्तकीम कौन है? इतने में आफ्ताब इमामत की किरणें मस्जिद में पड़ने लगी।
ये हकीकत मस्जिद में तुलू हो गया। जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने मुड़कर देखा कि कौन आया, देखा कि अली दाखिल हुए, और देखने के बाद जनाब रिसालत माप की तरफ रुख किया, पूछा कि या रसूलुल्लाह मैं पूछ रहा हूँ वो सिरात मुस्तकीम कौन है, बता दीजिए वो सिरात मुस्तकीम पर कौन है, सिरात मुस्तकीम पर कौन है। हजूर मुस्कुराए, फरमाया इब्ने मसूद देख भी रहे हो और पूछ भी रहे हो। इसी मंजिल पर लाना था। सिरात मुस्तकीम पे कौन सी दो शख्सियात हैं? जनाबे रिसालत माँ और जनाबे विलायत माँ, रसूल खुदा और अली अलैहिस्सलाम। अब इस मंजिल पर रोक के आपको एक और जगह लाना है और फिर इसी जगह पे गुफ्तगू मरबूत करनी है। शैतान से अल्लाह ने, इब्लीस से अल्लाह ने कहा, मलाइका से कहा कि आदम को सजदा करो, इब्लीस ने इनकार कर दिया, कहा कि परवरदिगार मैं इसे सजदा नहीं करूँगा क्योंकि मैं आग से बना हूँ ये तीन से, मैं आग से बना हूँ ये मिट्टी से, लिहाजा आग मिट्टी से अफजल है, इसलिए मैं इसे सजदा नहीं करूँगा। जनाब आदम को इब्लीस ने सजदा नहीं किया और परवरदिगार ने फरमाया कि हम तुम्हें हमारी बारगाह से निकल जा, हमारी बारगाह से निकल जा, कयामत तक तुझ पर लानत होती रहेगी। अब जब इब्लीस निकला तो क्या कहता हुआ निकला? परवरदिगार मैं ज़ुर्रियते आदम को गुमराह करूँगा और कहाँ बैठूँगा? मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मोमिन अक्लमंद होता है और ये मजमा उसकी दलील है। शैतान इब्लीस क्या कहता हुआ निकला कि परवरदिगार मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा और तेरे लोगों को गुमराह करूंगा, लेकिन कुछ मुखलिस बंदे हैं जिन्हें मैं गुमराह नहीं करूंगा। अब इब्लीस कहाँ मौजूद है? सिरात मुस्तकीम पर। और सिरात मुस्तकीम पर कौन सी शख्सियात हैं? जनाब रिसालत माब और जनाब विलायत माब। अब इब्लीस गुमराह करेगा तो कैसे करेगा, क्योंकि सिरात मुस्तकीम पर या रसूल खुदा या अली अलैहिस्सलाम। अब इब्लीस सिरात मुस्तकीम पर बैठकर गुमराह करेगा तो कैसे करेगा? या तो नबुव्वत में शक पड़वाएगा या विलायत से इनकार करवाएगा। और अज़ीज़ाने गिरामी, गुफ्तगू यहाँ तक पहुँच चुकी, यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ती रहेगी। इब्लीस ने क्या कहा कि परवरदिगार मैं आदम की ज़ुर्रियत को गुमराह करूँगा। झगड़ा हुआ था आदम से, बिगड़ा था आदम से, लेकिन गुमराह किसे करेगा?
औलाद आदम को समझाया जा रहा है कि इबलीसियत क्या है। इबलीसियत ये है कि झगड़ा नबी से हो तो इंतकाम ज़ुर्रियत से ले लो। ये इबलीसियत है। और अगर कोई कहता हुआ नजर आए, कोई कहता हुआ नजर आए, ये तो समझ जाना कि ये यजीदियत नहीं, इबलीसियत है। कि ये बदर का बदला है, ये ओहद का बदला है। और अजीजा ने गिरामी, बस गुफ्तगू तमाम हुई। 11 मुहर्रम आ चुकी, 11 मुहर्रम का आना था कि सुबह सूरज तलू हुआ, तमाम बीबियां कैदी बनी हुई, पाबंदे रसन अपने अपने लाशों पे, अपने अपने औलाद के लाशों पे पहुंची। जनाबे उम्मे फरवा जनाबे कासिम के लाशे पे पहुंची, जनाबे उम्मे लैला जनाबे अली अकबर के लाशे पे पहुंची। क्या फरमाती हैं? फरमाती हैं कि ऐ अकबर, तुम्हारे बाद मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, तुम्हारे बाद मुझे नज़र नहीं आता। जनाबे उम्मे फरवा फरमाती हैं, कासिम, क्या कोई लाशें ऐसे भी पामाल होते हैं? लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, दो बीबियां ऐसी हैं जो अपनी औलाद के लाशे पे नहीं गईं। एक जनाबे ज़ैनब, वो लाशें इमाम हुसैन पे पहुंची। एक बीबी वो है जिसका 6 माह का बच्चा है और वो अपनी औलाद के लाशे पर नहीं आई, बल्कि इमाम हुसैन के लाशे पर आई। जनाबे ज़ैनब फरमाती हैं, भैया ये तू है जिसे हुसैन जिवे, तू है जिसे जनाबे सैयदा ने चकियां पीस के पाला था। और जनाबे उम्मे रबा फरमाती हैं, मेरे सरताज हुसैन, मेरे आका हुसैन, मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब तक जिंदा रहूंगी ठंडा पानी नहीं पीऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको ज़िबा करने से पहले ठंडा पानी नहीं दिया गया। मैं जानती हूँ कि आपको गर्म रेत पर शहीद किया गया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब तक जिंदा रहूँगी साए में नहीं बैठूंगी। बस अज़ीज़ाने गिरामी, एक वक्त वो आया कि जनाबे अबू हमजा शिमाली इमाम सज्जाद की खिदमत में आए, पर्दा करवाया गया, सहन से गुजरवाया गया। जनाबे अबू हमजा फरमाते हैं, मैंने महसूस किया कि कोई बीबी है जो धूप में बैठी है। अबू हमजा फरमाते हैं, मैं जनाबे इमाम सज्जाद की खिदमत में चला गया। बातें करने के बाद मैं वापस पलटा तो क्या देखता हूँ कि धूप अपने मकाम पर नहीं है, धूप आगे जा चुकी है। और वो बीबी उस मंजिल से उठकर जहाँ पे धूप है वहाँ जाके बैठ चुकी है। अबू हमजा फरमाते हैं, मैं वही सहन में रुक गया। मैंने दस्ते अदब जोड़ के फरमाया कि आका, अगर आपने किसी अपनी कनीज को किसी गलती पर सजा दी हुई है कि वो धूप में बैठी रहे, तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ कि अपनी कनीज को माफ़ कर दीजिए। इमाम सज्जाद फरमाते हैं, अबू हमजा, तूने मेरा कलेजा फाड़ दिया, ये कोई कनीज नहीं, ये मेरी माँ है। अज़ीज़ा ने गिरामी, वो वक्त आया कि जब करबला काफिला पहुँचा, रिहाई के बाद काफिला करबला पहुँचा, 3 दिन के वक्त के बाद इमाम सज्जाद जनाब ज़ैनब से फरमाते हैं कि भूबी अम्मा, सबको कहिए कि हम 3 दिन के बाद मदीना जाएंगे, 3 दिन के बाद मदीना जाएंगे, सबको तैयार करो। जनाब ज़ैनब फरमाती हैं, बेटा सारे तैयार हैं, एक बीबी तैयार नहीं, आपकी माँ जनाबे रुबाब तैयार नहीं। चौथे इमाम अम्मा के पास आए, कहने लगे, अम्मा आप यहाँ क्या करोगी? कहने लगी, बेटा मैं वहाँ क्या करूँगी, मैं
वहाँ क्या करूँगी, मेरे सरताज यहाँ, मेरा बेटा यहाँ, मैं वहाँ क्या करूँगी। इमाम फरमाते हैं, अम्मा आप अगर यहाँ रह जाएं तो यहाँ पे क्या करेंगी। फरमाती हैं, मैं कब्रों पे ठंडा पानी डालूँगी, यहाँ जो जाहिर आया करेंगे मैं उनकी खिदमत करूँगी। बस मदीना पहुँचे, मदीना पहुँचना था कि 4 महीने के बाद जनाबे ज़ैनब चौथे इमाम के पास आईं। फरमाती हैं, बेटा अपनी माँ से कहिए साए में चली आए। चौथे इमाम अपनी जनाबे रुबाब के पास आए, फरमाने लगे अम्मा साए में चली आइए। वो फरमाती हैं, मैं साए में नहीं आऊँगी। इमाम फरमाते हैं, मैं बहुक्मे इमाम आपका हुक्म दे रहा हूँ, बहैसियत इमाम कह रहा हूँ कि साए में आ जाइए। उबरी अम्मा, अम्मा का बाजू थामिए। बाजू थामना था जब जनाबे रुबाब खड़ी हुई, आहोट से चंद जली हुई चूल्हे की लकड़ियाँ गिर। अब लेके आगे बढ़े, आगे बढ़ना था कि एक कदम साए में आया, रुख करबला की तरफ फिर गया। फरमाती है, मेरे सरताज मेरे वादे की लाज रखना, ये कहना था कि जनाबे सज्जाद फरमाते हैं इन्ना लिल्लाह है।